बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। स्पोर्ट क्वालिटी के क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम एक्सरसाइज ही उसके कॉम्पोजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हमें एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? जो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखते हैं, यानी कि जिनसे आप अपनी दोस्ती और अपनी जो है वो प्यार भरी बातें करते हैं और अपने दुख सुख की बातें करते हैं आप उनसे, यानी कि ये कोई फॉर्मल लेटर नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। यहां पर आपको करना है, यू हैव टू राइट अ शॉर्ट लेटर टू अ फ्रेंड और रिलेटिव। आप किसी को भी लिख सकते हैं, अपने मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ठीक है, किसी भी रिलेटिव को भी लिख सकते हैं और किसी भी अपने फ्रेंड को लिख सकते हैं। डिस्क्राइबिंग अ शॉपिंग ट्रिप दैट यू हैव जस्ट मेड। आप सब शॉपिंग पर जाते रहते हैं, हम सबको शॉपिंग का बड़ा शौक होता है, क्योंकि नई नई चीजें हम एक्सप्लोर करने का, खरीदने का बहुत ज्यादा शौक होता है। तो आपने करना ये है कि यू हैव टू गिव योर व्यूज, योर ओपिनियंस ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज थ्री टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो आपने अभी स्टोरी के अंदर रीड किए हैं। उसमें से आप कोई से भी दो टॉपिक्स इसमें से चूज कर लीजिए और उसके बारे में अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस दीजिए। बी डिस्क्रिप्टिव एंड अम्यूजिंग इफ यू लाइक, ठीक है। तो इसके अंदर आप जितना अच्छा जो है इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उतनी अच्छी आप कोशिश कीजिए। तो हमने इसके अंदर कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में भी पढ़ा, सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ा और एग्जस्पिरेटिंग शॉपकीपर्स के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। तो हमने इसके अंदर से दो या तीनों आप जो है आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर जो है वो उसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बीच में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसके फॉर्मेट को कि लिखा कैसे जाता है लेटर। तो बच्चों, सबसे पहले आपका एड्रेस आता है यहाँ पर, उसके बाद डेट और उसके बाद फिर आप सैल्यूटेशंस यानी डियर फ्रेंड ये कह के अपना लेटर स्टार्ट करते हैं। अपने फ्रेंड का आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, अपने रिलेटिव का भी नाम लिख सकते हैं कि जैसे डियर अंकल, डियर आंट या डियर कजन या ग्रैंड मदर, आप इसके अंदर कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से, जिसके अंदर हम जो है वो थोड़ी हेलो हाय करते हैं और उसमें हालात वगैरह जानने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, फलाना फलाना, हाउ आर यू, हाउ आर योर फैमिली मेम्बर्स, हाउ इज द वेदर देयर, इट्स बिन अ व्हाइल सिंस आई हैव हर्ड फ्रॉम यू, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। ये दो तीन सेंटेंसेस याद कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ तो आपका, जब भी आप इन्फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, ये हमेशा सेम होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप चाहे किसी भी रिलेटिव को लिख रहे हो, किसी भी फ्रेंड को लिख रहे हो, ये आप एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है लेटर में आपको लिखना क्या है। तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, आपने उन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता से हाईलाइट करना होता है। तो हम लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर माई मेनी थिंग्स विद यू, रिसेंटली आई मेड अ शॉपिंग ट्रिप टू लालू खेत मार्केट, ठीक है। अब ये जो एक दो लाइन्स आती है ना, ये आपके क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई होती है, कहीं और से आपको नहीं लिखनी होती। जहां पर आपको ये कहते हैं ना, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट, तो अबाउट के बाद जो बातें लिखी होती है ना, वो आपने यहाँ पर लिख देनी होती है। नेक्स्ट, इट वॉज एन अमेजिंग ट्रिप, ठीक है। अब आप उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, जो सवाल आपसे पूछा गया अब आप उसका जवाब देना शुरू करेंगे, ठीक है। I visited cottage industries. अब उन्होंने हमसे कहा था कॉटेज इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा आपने डिस्क्राइब करना, तो हम सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। देयर वेयर आई फाउंड मेनी यूजफुल एंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ टाइप्स ऑफ वर्क, वेयर यूजफुल एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स आर मेड कंप्लीटली बाय वन्स हैंड और बाय यूजिंग ओनली सिंपल नॉन ऑटोमेटेड रिलेटेड टूल्स लाइक सिजर्स, कार्विंग इम्प्लीमेंट्स और हुक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पूरा कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बता दिया, जो कुछ हमने पढ़ा था वही यहाँ पर हमने डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट उनसे हमने उन्होंने सिस्टम्स के बारे में पूछा था, तो नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम सिस्टम्स के बारे में बता देंगे और वही बातें करेंगे जो इसके अंदर हमने देखी थी। इट वॉज स्टनिंग टू ऑब्जर्व हाउ सिस्टमैटिकली दे डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स ओवर द एरिया। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, वहां पर हमारे पास जो सिस्टम्स थे वो इन बिटवीन सिस्टम्स थे, कि ना वो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी ना डिपार्टमेंट स्टोर था, कुछ बीच का चल रहा था, ठीक है। हमने कहा नहीं भाई, हम जहां पर गए वहां पर हमें सारी चीजें सिस्टमैटिक मिली, तो हमने उसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हमने कह दिया कि भाई सारी चीजें बड़ी सिस्टमैटिकली जो है वो ऑपरेट हो रही थी। हाउएवर द सिस्टम ऑपरेटेड इन द शू सेक्शन, थोड़ी सी हमने बुराई भी डाल दी इसके अंदर, क्योंकि हमें दोनों चीजों को हाईलाइट करना चाहिए ना, जब हम किसी भी चीज के बारे में बता रहे हो, तो हमने थोड़ा सा बता दिया कि भाई जैसे शू सेक्शन में हमने स्टोर में पढ़ा था, तो हमने यहां पर बता दिया कि ऑफ चूजिंग द स्टफ डाउन स्टेयर्स देन पेइंग अपस्टेयर्स एंड लेटर कलेक्टिंग डाउन स्टेयर्स was a bit
कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम था ना कि भाई पहले नीचे खरीदो फिर ऊपर जाओ पेमेंट करो फिर वापस आके चीज़ों को कलेक्ट करो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था जो हमें थोड़ा सा पसंद नहीं आया. ठीक है, हाउएवर हमारी यहाँ पर दो बातें कंप्लीट हो चुकी हैं. बहुत लंबी लंबी आपको कहानियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रिसाइज रहें और चीज़ों को जो है वो कॉम्प्लिकेट करने के बजाय आसानी के साथ तीन चार सेंटेंसेस के अंदर एक्सप्लेन कर दें, इतनी बात काफ़ी है. ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अगर आप लिखना चाहते हैं थर्ड के बारे में भी तो वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया. आप इसमें से चाहें तो कोई से भी दो भी लिख सकते हैं और चाहें तो आप तीनों भी लिख सकते हैं. तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सस्पिरेटिंग शॉपकीपर्स के बारे में और ये आखिरी बात करके हम लेटर को एंड कर देंगे. आई फाउंड द शॉपकीपर्स टू डेडिकेटेड एंड कमिटेड, दे हैड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वर कमर्शियली माइंडेड. ठीक है, हमने थोड़ी सी शॉपकीपर्स की यहाँ पर तारीफ कर दी. हेंस आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ बाइंग अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर यू टू. ठीक है, ये सारी कहानी बताने के बाद मैंने उसको ये भी बता दिया कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स जो है वो लिए हैं ताकि उसको मोटिवेट किया जाए कि तुम आओगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दूंगी. आई एंजॉयड माई ट्रिप अलॉट, द सनशाइन, शुगर केन जूस, रोमिंग ऑल अराउंड, हैविंग माइंडफुल ऑफ थॉट्स, प्लांट्स, इमेजेस, कलर्स, साउंड्स एंड स्मेल्स, एवरीथिंग जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ माई गुड ओल्डन डेज. मी है ये, ठीक है, माई नहीं है, गलती से लिख दिया है मी. मी ऑफ माई गुड ओल्डन डेज स्पेंट विद यू स्ट्रोलिंग इन द स्ट्रीट्स. यानी यहाँ पर अपनी फ्रेंड को ये बता दिया कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई और वो सारे दिन मुझे याद आ गए कि जब हम दोनों एक ही गली में जो है वो इधर से उधर दिन भर घुमा फिरा करते थे और चीज़ें खरीद कर खाया पिया करते थे, तो वो मुझे सारे दिन अपने जो है वो रिकॉल हो गए. आई मिस्ड यू माई डियर, वेटिंग टू सी यू सून, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर लविंग फ्रेंड. अपना नाम लिख दीजिए जो भी आपका नाम है और यहाँ पर आपका लेटर एंड हो जाता है. तो लेटर राइटिंग बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, बस आपने दो तीन चीज़ों को माइंड में रखना है, वोकैबुलरी अपनी थोड़ी सी अच्छी करनी है तो आप किसी को भी आराम से लेटर लिख सकते हैं. यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है. होप कि आपको ये क्लियर भी हुआ होगा और मज़ा भी आया होगा. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़.